हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ शिषपाल नेगी। आज ब्लॉगिंग कर रहे हैं सुबह 7 बजे से, और 7 बजे का मौसम सेम रोज़ की तरह है, एकदम अच्छी सी धूप खिली हुई है और बहुत अच्छा नज़ारा है। तो हम भी डेली की तरह मॉर्निंग वॉक के लिए, और अब होता है हमारा टाइम रूम पे जाने का, उसके बाद ड्यूटी का टाइम भी हो जाता है, नहाना धोना, और बस काफ़ी होता है 1 घंटा मॉर्निंग वॉक के लिए, और उसके बाद यहाँ से चलते हुए सीधा रूम की ओर, और उसके बाद ड्यूटी भी जाना है। पर ड्यूटी भी बहुत ज़रूरी है भाई, क्योंकि जब ड्यूटी है तब हम हैं, जब कुछ कमाएंगे तभी खाएंगे, नहीं तो फिर बहुत मुश्किल है, प्रदेश में रहना है तो ड्यूटी ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि अपने घर में है, जाओ नहीं जाओ कोई मतलब नहीं, चलेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, शाम को खाना तो मिल ही जाएगा। पर यहाँ पे ऐसा नहीं है, फिर ड्यूटी नहीं होगी तो खाना भी नसीब नहीं होगा, तो इसलिए बोल रहे हैं कि जब काम करोगे तभी खाना भी मिलेगा, फ्री का, क्या बोलते हैं, फ्री का आज की डेट में हवा तक नहीं मिलती है, तो ये बात है भाई। तो मेरी थोड़ा सांस भी फूल रही है, क्योंकि मैं भाग रहा था तो आदत नहीं है, तो वेट भी बढ़ गया है, तो इसलिए सांस फूल रही है। एक टाइम पे था कि हम किलो किलो तक, मीटर तक भाग जाते थे, पर कोई फर्क नहीं पड़ता था, उस टाइम जवानी थी, बचपन था, अभी सारा सिस्टम बदल चुका है, बचपन भी चला गया और जवानी भी चली गई, और अब हम बुढ़ापा की ओर निकल रहे हैं, तो इसमें कोई शक नहीं है। तो भाई अपनी केयर करिए और अपना शरीर मेंटेन रखें, क्योंकि ये चीज़ करना बहुत ज़रूरी है सेहत के लिए, नहीं तो फिर वही चीज़ हो जाती है, दवाइयाँ, हॉस्पिटल, डॉक्टर, बस इनका ही वेट करना पड़ेगा। अगर थोड़ा मेहनत कर लोगे, आलसपन थोड़ा छोड़ दोगे तो बहुत फ़ायदा मिलेगा, और जो कि हम कर रहे हैं सुबह से, करते हैं, हम रोज़ करते हैं, तो हो सकता है तो आप ही करिए, बहुत फ़ायदा मिलता है इस चीज़ों से, करना कुछ नहीं है, सुबह उठ के 1 घंटा राउंड मारना है, 5-6 किलोमीटर उधर, 5-6 किलोमीटर इधर, मतलब मिला के 12 किलोमीटर इधर उधर दौड़ लगानी है, और देखो तुम घोड़े बन जाओगे, घोड़े एकदम घोड़े बन जाओगे, चना चबाओगे, फिर ऐसे बन जाओगे, ये मैं लिख के देता हूँ दावा के साथ। अगर तुम इतना रोज़ का करते हो, उसके बाद अपना काम भी करते हो, तो फिर सच में तुम घोड़े बन जाओगे। तो ये मेरी रियायत थी आपके लिए, और करना नहीं करना ये आपके ऊपर है, किसी को बोलने से नहीं होता है, जिसकी इच्छा होती कोई काम करने की वो होती ऑटोमेटिक ही करता है, किसी को अच्छा लगता है, जो पसंद है, किसी को कुछ पसंद है, कोई तो कोई भी प्रॉब्लम होगा उसको बोलेंगे कि नहीं ऐसा करना है, वो कभी नहीं करेगा, वो बोलेगा अरे छोड़ो ना यार, बकवास है, कुछ नहीं होता है, तो ये बात है भाई। तो आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि समय नहीं है, आई होप वीडियो पसंद।
पसंद आई लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।